नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती सांगवान। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा हज का गठबंधन की। करनाल से बीजेपी के सांसद बने अश्विनी चोपड़ा ने गुड़गांव पहुंचने पर एक अभिनंदन समारोह में जहां शिरकत की, इस मौके पर उन्होंने हज का बीजेपी गठबंधन पर हाईकमान से फिर विचार करने की बात कही। अश्विनी के मुताबिक हरियाणा में हजका का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। स्वागत करें, महिला समिति का अभिनंदन हो। वरिष्ठ नेता है, पूर्व जिला अध्यक्ष है। सबसे पहले अश्विनी चोपड़ा जी का, बी डी शर्मा जी, श्री डी सी यादव जी, श्री सोमदत्त जागड़ा, अनिल यादव, बिट्टू जी, सरस्वती मंडल। दो चार दिन ही हुए सरकार को बने हुए, तो मुझे लगता है कि आप आगे चल करके जो जो वायदे मोदी जी ने किए हैं और उन्होंने 100 दिन का जो रखा है समय, उस 100 दिन के अंदर ही आप देखना इस देश की सारी परिस्थितियां जो है ना, जो उल्टी कांग्रेस ने चला रखी थी उसी दियों के चलेंगे। तो राजका ने फैसला करना है जी। वैसे हमारे यहाँ पर बीजेपी के अंदर भी द्वंद्व चल रहा है हंजका को लेकर के कि क्या किया जाए, क्योंकि हंजका का पार्टी का अस्तित्व मुझे लगता है इसमें रहा नहीं है, क्योंकि ना तो उनका एमपी है कोई, ना कोई उनका एमएलए है, जब अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मंथन चल रहा है। हजका बीजेपी गठबंधन के टूटने के पूरे पूरे आसार लग रहे हैं, लेकिन हजका पार्टी के लिए ये मुसीबतों का दौर है जिसमें उन्हें डूबते समय तिनके के सहारे की जरूरत है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल यही गूंज रहा है कि ये गठबंधन चलेगा या टूटेगा। हजका सुप्रीमो की पत्नी और हजका पार्टी से पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई गुड़गांव में हजका कार्यकर्ताओं के घर पहुंची, जहां पर उन्होंने कहा कि जब से हजका बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ है तभी से ये अफवाहें चल रही हैं कि गठबंधन टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अशोक तंवर के हजका के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले होने वाले बयान पर उनका कहना है कि राजनीति में सभी की अलग अलग सोच होती है। अशोक तंवर भी अपने हिसाब से सोच रहे हैं। कार्यकर्ताओं को हौसला देने पहुंची रेणुका ने कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में कमर कसने और 90 सीटों पर तैयार रहने को कहा। देखिए, उनकी समझ है, ये उनका बयान है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी राजनीतिक इलेक्शन का समय हरियाणा में अभी चल रहा है और आगे बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले, तो सब पार्टियां अपना अपना पक्ष विपक्ष रखती है। देखिए, सब अफवाह जब जिस दिन से गठबंधन बना है उस दिन से इनकी अफवाह चल रही है, तो कितना दिन में दम है ये आप सब जानते हैं। विधानसभा चुनाव में किस तरह का, देखिए अभी आगे समय बताएगा आपको, अभी तो चर्चा होगी, कोऑर्डिनेशन कमिटीज की बैठक होगी, तो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। भाजपा से नवनिर्वाचित सांसद बने राजकुमार सैनी का कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। सैनी के मुताबिक प्रदेश में लोगों को बिजली तो नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली के रेट जरूर बढ़ रहे हैं। वहीं गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हजका भाजपा का गठबंधन मजबूत है और विधानसभा चुनाव में हजका बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। जो पिछली सरकार है वो क्या क्या फैसले ले रही है उसका निरीक्षण तो हम जब विधानसभा में हम बैठे होंगे, हमारे लोग बैठे होंगे, तभी हम बता पाएंगे। लेकिन इतना पता है कि बिजली तो नहीं मिली, पर रेट तो उन्होंने जो है ना एक वर्ष में 10 बार बढ़ाए, पेट्रोल के, बिजली के, गैस के। सरकार सिर्फ इस बात का एहसास कराना चाहती है कि तुमने पर्ची तो हमारे को नहीं दी, अभी हम आपको 2-3 महीने और तंग करके आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते थे। वहीं चंद्रमोहन के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा है कि भाजपा अब हजका को ना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहते हैं और ना ही हजका नेता कुलदीप बिश्नोई की अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज इस बाबत पूरी जानकारी कोर कमेटी को दे चुके हैं। अब बस इंतजार है तो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या हजका भाजपा गठबंधन के साथ। देखो, अब उनके कहने से कोई बात नहीं बनती है,
चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत कमज़ोर रही है। इसलिए हर चुनाव के बाद हर पार्टी समीक्षा करती है, हमने भी समीक्षा की है। समीक्षा करके अब क्या करना चाहिए वो हमने केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कि इनको 45 सीटें देनी है या नहीं देनी है, सीएम इनका होना है या नहीं होना है। लेकिन हमने अपने जो प्रदेश के कोर कमेटी के सारे लोग थे अपनी राय व्यक्त कर दी है कि हारे हुए जो व्यक्ति है उसकी रहनुमाई में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हरियाणा में बीजेपी हजका गठबंधन पर असमंजस अभी भी बरकरार है। हालांकि बीजेपी के कई नेता सार्वजनिक मंच पर कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी हजका गठबंधन आगे भी बरकरार रहेगा। प्रदेश में हजका विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने संगठन में नई नियुक्तियां की है। हजका नेता चंद्रमोहन ने बताया है कि पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूती देने की दिशा में पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं और जल्द ही संगठन में कुछ और नियुक्तियां की जाएंगी। उनके अनुसार आने वाली 17 और 19 जून को कई जगह सम्मेलन किए जाएंगे। सभी की भावनाओं को देखते हुए हमने 17 जून को असंध में और 19 जून को इसराना में हल्का स्तर की रैलियां करने का निर्णय लिया है। हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर हरियाणा जनहित कांग्रेस की नीतियां पहुंचाएंगे और बुजुर्गों से, माताओं से, भाइयों से, बहनों से आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि रैली में पहुंचकर भाई कुलदीप बिश्नोई जी के विचार सुने। कांग्रेस से दोबारा गठबंधन पर चंद्रमोहन का साफ कहना था कि थूक चाटने वाले लोग नहीं हैं हम, एक बार कांग्रेस छोड़ दी तो वापस कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं होता। भाई थूक के चाटना हमारे परिवार की परंपरा नहीं है। हमने जब एक बार छोड़ दिया, आप जिंदगी में पेज फाड़ के फेंक दीजिए इस चीज़ का। ये काम तो उनका है, रोज बीजेपी वाले मंत्रालय के खड़े आके जाके हाथ जोड़ते हैं, गठबंधन तोड़ दो जी हमसे कर लो। भाई तुम्हारे साथ तो पहले था उनका, व्हाट इज द रीजन? कोई डाउट नहीं मुझे। बेशक हजका पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत कह रही है, लेकिन बीजेपी 45-45 सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक असमंजस में है। अगले हफ्ते होने वाली बीजेपी की अहम बैठक में साफ हो सकता है कि हजका के साथ गठबंधन रहेगा या रहता है तो बीजेपी कितने सीट हजका को देंगे। गौरतलब है कि रोहतक में हुई कोर ग्रुप की बैठक में 70-20 सीट पर बात पर चर्चा की गई थी। और इसके अलावा हरियाणा में भाजपा के 7 नवनिर्वाचित सांसदों में से 6 सांसद चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में ना लड़ा जाए और गठबंधन की शर्तों में फेरबदल हो। सांसदों ने सुझाव भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में दिए थे। एक सांसद अश्विनी चोपड़ा ने राय दी कि भाजपा को गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की राय है कि गठबंधन बरकरार रहना चाहिए और गठबंधन तोड़ने की पहल नहीं करनी चाहिए। प्रदेश में भाजपा और हजका गठबंधन पर अभी भी असमंजस जारी है। हालांकि भाजपा और हजका के कई बड़े नेता सार्वजनिक मंच पर कहते नजर आ रहे हैं कि दोनों पार्टियों में गठबंधन है और आगे भी रहेगा। बहरहाल अगले हफ्ते होने वाली अहम बैठक में साफ हो जाएगा कि दोनों पार्टियों में गठबंधन रहता है या नहीं। कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी और कमल मिड्डा की रिपोर्ट। रेवाड़ी के गांव कुन में गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और उनका धन्यवाद किया। रेवाड़ी पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले कई बीजेपी के बड़े नेता ये कहते रहे कि राव इंद्रजीत सिंह को सांसद के चुनाव के लिए ही बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन आज के समय अगर बीजेपी कांग्रेस की तरह बनकर रह गई तो भाजपा कभी प्रदेश में सत्तासीन नहीं होगी। तो यूं कहती थी कि इंद्रजीत सिंह को तो सिर्फ बीजेपी के अंदर एक एमपी के तौर के ऊपर लिया गया है ताकि गुड़गांव से एमपी बना करके और इसको पार्लियामेंट भेज देंगे आगे की फिर देखेंगे। संघ कहते स्वीकार नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के अनेक बड़े नेता इंद्रजीत सिंह को स्वीकार नहीं कर रहे, ये तो ऊपर से टिकट लेकर के आ गया है। बीजेपी के अंदर तो हम पुराने रहे हैं, हमको मालूम है बीजेपी कैसे चलती है, ये नए कांग्रेसी आकर के बीजेपी में कैसे शामिल हो जाए।
जो जो विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं त्यों त्यों राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज होना शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में पानीपत में प्रदेश कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री बिजेंद्र सिंह कादियान पानीपत के ग्रामीण क्षेत्र पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। कादियान ने अपने कार्यकर्ताओं से 8 जून को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने की अपील की। कादियान ने दावा किया है कि हरियाणा में तीसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में इतने भारी बहुमत से पार्टी जीते और आने वाले समय में फिर हुड्डा साहब तीसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस बात को लेकर आज हमने अपने पानीपत कार्यकर्ताओं की सभा की और इसके साथ साथ 8 तारीख को जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को आज इस बात के लिए अपील करते हैं कि 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि 8 तारीख को जिला स्तरीय कार्यक्रम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब और हमारे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी, प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद जी और हमारी प्रदेश प्रभारी सचिव बैनासा कुमारी जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पवन कुमार बंसल की रिकॉर्ड तोड़ हार के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस में मानो गम का माहौल बना हुआ है। रविवार को चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की मीटिंग में पहुंचे बंसल हार के गम को चेहरे पर आने से रोक न सके। किरण खेर का जादू सिल्वर स्क्रीन के बाद राजनीति में भी चल पाएगा? इस सवाल पर बंसल ने कहा उनको उम्मीद है कि चंडीगढ़ में जो काम वो ना कर सके किरण खेर करेंगी। हालांकि उनका हार का क्या कारण रहा इस पर वो कुछ नहीं बोले। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल जी मौजूद हैं। आइए इनसे राजनीति पर कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, इस बार आपकी यहाँ से हार हुई और किरण खेर की जीत हुई, आपको क्या लगता है ये किरण खेर की मेहनत का नतीजा था या फिर मोदी का ही इफेक्ट था, कुछ क्या कहेंगे? इसमें कई बार बात कर चुके हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये बस सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट है उस बात को मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है और हम हारे हैं। बंसल जी, आप एक सशक्त उम्मीदवार रहे हैं, यहाँ से सबको लगता था कि आपकी जीत यहाँ से निश्चित है, तो इसका आप क्या कारण मानते हैं? कहीं ना कहीं विपक्षों के द्वारा जो बार बार जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो कारण रहा हो उसके पीछे? ये बातें आप सब लोग आपस में आप कर सकते हैं, मैं नहीं करता। मैं तो एक बात आपको कही है वही बात है, नतीजा सामने है, आए हैं। अब उनको मैंने तो उनका स्वागत किया था, उनको अपने तरफ से बधाई दी थी और अब उम्मीद करते हैं यहाँ शहर के काम होते रहेंगे। उनकी अच्छी सरकार है, पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है उनको, ये नहीं समय बर्बाद होने का कि एक जो दल है उसने खींच लिया एक लात दूसरे ने खींच ली, पूरा समय उनके पास काम करने का है। जो जो काम वो कहते हैं कि हम लोग नहीं करवा पाए, अब हम उम्मीद करते हैं कि वो करवा पाए उन सब चीज़ों को। जी, उनके किरण खेर के सामने क्या क्या चुनौतियाँ रहेगी चंडीगढ़ में, क्योंकि पहली बार सांसद हैं वो भी जानती हैं और उनके अपने लोग हैं वही उनको बताएंगे। अभी फिर वही कह रहा हूँ, 15 दिन हुए हैं उन्होंने अपनी मीटिंग की है, उन्होंने कहा है कि वो सब चीज़ों को यहाँ से वाकफ हैं, चंडीगढ़ की ज़रूरतों से वाकफ है। कंपेन के दौरान जब यहाँ थे लोग उन चीज़ों का जिक्र करते थे, तो मुझे आशा है वो सब चीज़ों को करवा पाएंगे। जी, हमारा आखिरी सवाल, क्या अगली बार आप फाइट बैक करेंगे? मैं इन चीज़ों का भी कई बार कह चुका हूँ, बार बार बातें नहीं करने की होती, आज ये मौका नहीं है। तो ये थे पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल, जिनको लगातार जीत का चौका ना लगा पाने का मलाल जरूर है, लेकिन उम्मीदें अभी बरकरार है। कैमरामैन हरविंदर लाली के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा में पशु तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो पुलिस पर हमला करने के अलावा अब गौ रक्षा दल के पदाधिकारियों को भी अगवा करने लगे हैं। शनिवार को देर रात शादीपुर गांव के समीप से नाका लगाकर बैठे गौ रक्षा दल के संयोजक रोहित चौधरी को अगवा करने के बाद पशु तस्करों ने उनकी जमकर पिटाई की। रोहित को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहरवासियों और अन्य धार्मिक संस्थाओं को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने चंडीगढ़ रुड़की नेशनल हाईवे पर कमानी चौक पर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे तक फंसे जाम में सैकड़ों वाहन फंस गए। इस दौरान गर्मी के बीच ही जाम में फंसी बसों में सवार लोगों का गर्मी के कारण बुरा हाल था। जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे SP शशांक आनंद को भी जाम खुलवाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। करीब 3 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने SP द्वारा मामले में उचित कार्रवाई करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन देने के बाद लोगों ने जाम खोल दिया। संप्रदाय विशेष के लोगों ने परिवार सहित उसकी इतनी मार मार करके और इतनी बुरी स्थिति में उसको मारा है। वो कुछ गौरक्षा का काम करता था, तो स्वाभाविक है जो तस्करी का काम करते हैं देश में वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बड़े परेशान थे, इसलिए उनको मारा।
गौरक्षक अपने आप ही कार्रवाई कर रहे थे और वहाँ उनका शादीपुर गांव पड़ता है सदर यमुनानगर में, वहाँ गांव वालों के साथ उनका झगड़ा हुआ है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव वालों ने उनको खींच के ले गए और घर के अंदर जाके उनके साथ मार पिटाई करी है। उसमें एक गौरक्षक को कुछ चोटें आई हैं, सीरियस तो नहीं है पर अभी अस्पताल में भर्ती है। कैथल में विवाहित महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में संलिप्त सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रविवार को गांव तीतरम कैलड्रम के सैकड़ों लोगों ने चंडीगढ़ हिसार नेशनल हाईवे चौक पर जाम लगा दिया। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पैसे लेकर दोषियों को खुलेआम छोड़ रखा है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो नेशनल हाईवे पर अनिश्चितकालीन धरना देकर तोड़फोड़ करेंगे। वहीं पुलिस ने इस मामले में जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही है। कल पुलिस ने सुबह आश्वासन दिया था रात को कि हम 11 बजे तक सब आदमी आरोपियों को यहाँ पे पेश करेंगे। अभी 11 बजे जब पुलिस वाले से मिले इंस्पेक्टर से तो बोले कि हमें एक दिन का वो टाइम दो, और उन्होंने बोला कि पंचायती तौर पे निपटा लो। और जब हमने बोला कि हम उन्हें अरेस्ट करो हम जाम लगाएंगे, उन्होंने कहा कि जाम लगाओ कुछ भी करो, आज वो अरेस्ट नहीं होंगे, कल ही हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। यहाँ ब्याह होना चाहिए थी, नहीं मरा है लड़की का तो साथ होना चाहिए, उतनी भी तो होना चाहिए कुछ। इनके तरफ से कोई भी हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जी, और इनमें कुछ पुलिस वालों ने पैसे खाए हुए हैं, उसकी वजह से एक सारी कहानी हो रही है जी। जो पुलिस वाला था दो दिन से वो गायब है जी, और कह रहे हैं हम लाएंगे ला नहीं रहे जी बिल्कुल भी। अगर ऐसा नहीं होता, कोई हमको इंसाफ नहीं मिलता तो दोनों गाँव कैलरम और तीतरम लेडीज भी जेंट्स भी चाहे कितने भी मरो, सारे दोनों गाँव मर जाओ, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मामला तो ये तो अरेस्ट की जो कहते हैं इतनी जल्दी कई बार हो भी जाता है। जैसे मुझे वो पता है कि वहाँ जैसे हमने टीम भेजी थी वहाँ नहीं मिले, वो पंजाब के थे और वहाँ मेरी एसएचओ से ही बात हुई है, वो कहता कि मतलब हम इनको अरेस्ट करके आपको बता देंगे, अगर ना भी टाइम हो तो आपको भेज भी देंगे। रोहतक हाईवे पर गंगा याचा गांव के पास बने टोल प्लाजा को हटाए जाने का मुद्दा अब दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज भी टोल हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोग एकत्रित हुए और टोल प्लाजा पर धरना देकर अपना प्रदर्शन किया। टोल हटाओ संघर्ष समिति का कहना है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, रोहतक में टोल टैक्स कम किया जा रहा है और यहाँ बने टोल टैक्स से ज्यादा टोल वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि टोल को हटाए जाने के लिए पहले कई बार पंचायतें हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहे। टोल हटाओ संघर्ष समिति ने पहले अपने जनप्रतिनिधि राव इंद्रजीत सिंह, यादवेंद्र यादव, कृष्ण पाल गुज्जर, दीपेंद्र हुड्डा को ज्ञापन देने की बात कही है। उनके मुताबिक अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो वो महापंचायत कर हाईवे को जाम करेंगे। आज हमारा ये सांकेतिक धरना था जिसमें 25-30 गांव के लोग शामिल हुए और रोहतक से वीरेंद्र भाई हुड्डा, डॉक्टर अशोक दीक्षित भी शामिल हुए और गांव के मौजूदा व्यक्ति इसमें शामिल हुए। हमने ये फैसला लिया है कि जब तक लूट का आटा टोल प्लाजा यहाँ रहेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। गांव के पंचायतों से हम प्रस्ताव लेंगे, हरियाणा सरकार को भेजेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को देंगे, राव इंद्रजीत सिंह को, यादवेंद्र एमएलए को, दीपेंद्र हुड्डा को, तमाम प्रतिनिधियों के पास हम ज्ञापन भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे। अगर वो कृष्ण पाल गुज्जर के पास अगर वो हमारी बात को नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में एक महापंचायत बुलाएंगे, महापंचायत में निर्णायक फैसला किया जाएगा। रेवाड़ी में एक पेट्रोल पंप पर लूट का मामला सामने आया है। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित शहीद आजाद सिंह फिलिंग स्टेशन पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी और करीब 1.5 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना उस वक्त की है जब पेट्रोल पंप पर गनमैन सहित 6 कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, तभी 5 हथियारबंद बदमाश ऑल्टो कार में सवार होकर आए और सेल्स ऑफिसर ऑफिस में फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दे घनश्याम को गोली मार दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पांच छह लोग और अल्टो गाड़ी में आए, सफेद भी मैं अंदर बैठे हुआ थे यहाँ पे, और सिर्फ 2-3 तो गनमैन के साथ भाग गए और 3 अंदर आ गए, अंदर आके सीधे फायर करने लगे और कैश कैश सब भी
कितना कैश लूटा हूँ? कैश था करीब 1.5 लाख। 1.5 लाख। एक अपना जो घायल हो गया इसमें? हाँ, एक एक्सपायर हो गया। अभी हिसाब नहीं लगाया, टोटल 1.5-2 लाख दो के बीच में। कुछ सीसीटीवी कैमरे पर फुटेज वगैरह आए हैं उसके? फुटेज हो गया, अभी सीसीटीवी कैमरे कल रात को खराब हो गए थे एडाप्टर रूम पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए डे एंड नाइट न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।